हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। आज अपने क्लासेस के बाद एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है आपको पता होना चाहिए। सिंथेसिस किसे कहते हैं? हमने पिछले क्लासेस वाले जो टॉपिक था उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है ना, और किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन नहीं होता। दूसरी बात हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक क्लाजेज जो होते हैं वो सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, उनको अपने क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित अब बात करते हैं सिंथेसिस किसे कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस से अपने को क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना हो, या सिंपल से अपने को कंपाउंड बनाना हो, या कंपाउंड बनाना हो, या फिर अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके। सिंथेसिस का मतलब होता है मिला देना, मिला करके या तो हमें सिंपल बनाना है, या फिर अपने को कंपाउंड बनाना है, या फिर अपने को कॉम्प्लेक्स बनाना है, बस इसी को अपने क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो अपने यहाँ तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस है उसी का निर्माण करते हैं। सिंपल से सिंपल बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। यानी आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, उन दोनों को मिलाकर के हमें सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। एक बात, तो इसके बनाने का जो पहला तरीका है वो कौन सा है? पहला तरीका ये है कि अपने को पार्टिसिपल्स को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? पार्टिसिपल्स को जोड़ना है, ठीक है ना। अपने को पार्टिसिपल्स को जोड़ना है, यानी पार्टिसिपल क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल से जोड़ना, पार्टिसिपल होता क्या, पार्टिसिपल मैं बता देता हूं। पार्टिसिपल अपने आप में वर्ब होती है, वर्ब होती है, लेकिन कौन सी वर्ब होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, याद रखना है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अपने पिछले वीडियो के अंदर अपने ये पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, क्लासेस के अंदर अपने पढ़ चुके हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और दूसरी बात, ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों का काम करती है। ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे और वर्ब का भी काम करे तो वो पार्टिसिपल कहलाती है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं, पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो पहला पार्टिसिपल जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे कहें रीच, रीच, रीच का पार्टिसिपल क्या बन जाएगा, रीचिंग, ठीक है ना। ऐसे ही अपने इज एम आर, इज एम आर, वॉज, वर, इसका जो पार्टिसिपल होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो बींग होता है। ऐसे ही अपने इज एम आर के साथ मैं यहां पर एक वर्ब और जोड़ना चाहता हूं, बी, बी, इनका सबका क्या होता है, बींग होता है पार्टिसिपल। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे, रीच का रीचिंग हो जाएगा, है, और कोई भी है, जैसे सिंगिंग हो जाएगा, सिंग का सिंगिंग हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और एक और बात बता देता हूं, इसका जो
प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसका पैसिव जो बनाएंगे वो क्या होता है, वो होता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पैसिव होता है क्योंकि आपको पता आईएनजी फॉर्म का जो है पैसिव, जैसे ये जैसे कहेंगे सिंग का पार्टिसिपल जो होगा वो तो होगा सिंगिंग, और इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा, बीइंग संग होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, सिंग एक वर्ब है, सिंगिंग पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका जो पैसिव पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस जो है वो बीइंग संग है। तो इस तरीके से इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये तो अपने बात करी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करी, अच्छा ये अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात थी। अब अपने बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को अपने पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ध्यान देना है। और इसका जो पैसिव होता है वो क्या होता है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका पैसिव होता है। तो ध्यान देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव हमने नहीं बताया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ही नहीं होता है पास्ट पार्टिसिपल का, तो इसका होता है, तो इसलिए हमने हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन प्रकार के हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल्स का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करना होता है, ध्यान देना है, वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करना होता है। और ये कब करेंगे, ये तब करेंगे जब नंबर एक बात, यानी सिमिलर सब्जेक्ट हो, दोनों मतलब एक जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, दोनों के अंदर दो सेंटेंस दिए उसमें दोनों के अंदर सिमिलर सब्जेक्ट हो। दूसरी बात, उनके अंदर फाइनाइट वर्ब जो है, जो फाइनाइट वर्ब्स है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो ये दो शर्त होती है, तो अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, आई रीच्ड होम पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। देखिए यहां पर देखिए दोनों में सब्जेक्ट देखिए सबसे पहले आई, और इसमें भी सब्जेक्ट क्या है आई। ओके, अब इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, रीच्ड है ना, रीच्ड, और इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, टुक ऑफ है ना, इसमें फाइनाइट वर्ब टुक ऑफ। तो दोनों फाइनाइट वर्ब अलग अलग है और दोनों सब्जेक्ट जो है वो एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रीच्ड जो है इसको पहला जो सेंटेंस है, जो पहना पहला सेंटेंस है उसकी फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। कैसे बदलेंगे, आर ई ए सी एच आई एन जी, रीचिंग हो जाएगा, रीचिंग होम, बस रीचिंग होम करके हमने क्या किया, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स यानी घर पहुंच करके मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो ये रीचिंग जो है, रीच्ड का क्या बन गया, रीचिंग बन गया। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, बस सीधी सी पहचान है, सिंपल को हमने सिंपल में बदला है, ठीक है ना। ये पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज हंग्री एक सेंटेंस, दूसरा है आई टुक माई फूड। ओके, अब इसको अपने चेंज करना है, तो सबसे पहले देखेंगे आई और आई दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है ना, यहां पर आई वॉज है, ठीक है ना, और इसमें आई टुक है, दोनों में फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। पहली फाइनाइट वर्ब को अपने को क्या करना है, चेंज करना है, वाज का क्या बन जाएगा, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, भूखा होने के कारण या भूखे होते हुए मैंने मेरा भोजन ले लिया। तो ये बीइंग किसका बना,
वाज वर्ब का बींग बन गया, ठीक है ना। तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लिया, और यहां पर वर्ब जो है वो कौन सी है, एक ही रही ना, फाइनाइट वर्ब एक ही रही, टुक, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस जब भी बनाना हो आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में ये ध्यान रखना है। तीसरा सेंटेंस, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ओके। पहला सेंटेंस ये है, और सेकंड सेंटेंस आपको दिया, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, ओके। देर आर टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस हैं आपके पास, सी वॉज टायर्ड, अब वॉज टायर्ड फर्स्ट फाइनाइट वर्ब ये है इसमें, और दूसरी फाइनाइट वर्ब है ले डाउन, दोनों में फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, और आप देख रहे हो सी दोनों में एक जैसा है, तो अपने क्या करेंगे, क्या करेंगे अपने, अपने वही काम करेंगे, यानी बींग टायर्ड, यानी। अच्छा एक और बात बता देता हूं, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो हाँ यही बात है, वॉज को किस में बदलेंगे, बींग में बदलेंगे, तो बींग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, और यहां कोमा को किस में बदल देंगे, यानी फुल स्टॉप को कोमा बदल देंगे, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, ओके। तो इस तरीके से बींग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, हो गया ना, एक ही फाइनाइट वर्ब बची, ले डाउन, ठीक है ना। इसलिए ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, किसका यूज करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए अपने सिंपल सेंटेंस बना दिया, ओके। अब अपने बात करते हैं, कई बार क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इस तरीके से दे देता है, आई वॉज रमेश, ये सेंटेंस दे दिया एक तो, और दूसरा सेंटेंस दे दिया, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, सॉरी आई सा रमेश, वॉज नहीं, आई वॉज रमेश नहीं, आई सा रमेश, आई सा रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग नेबर, हिज नेबर। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, ये कहता है अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, वाक्य के ऑब्जेक्ट से संबंध हो, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। आई सा रमेश, अब रमेश से संबंधित है, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, है ना। कौन गाली दे रहा था, रमेश गाली दे रहा था, वाक्य के ऑब्जेक्ट है रमेश, इससे संबंध, इसके बारे में बात करें कि ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, रमेश जो है वो उसको अब्यूज कर रहा था, तो यहां पर आई सा को नहीं, आई सा रमेश, अब आई सा रमेश, अब अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या लगाएंगे, अगले वाले का, इसमें ही वो जो है यहां से हट जाएगा, और ये सेकंड फाइनाइट वर्ब क्या है, अब्यूजिंग, अब्यूजिंग है, तो इसका अब्यूजिंग ही होता है, अब्यूजिंग हिज नेबर, यानी मैंने देखा रमेश को अपने पड़ोसी को गाली निकालते हुए, तो अब्यूजिंग हिज नेबर हो जाएगा। रमेश के तुरंत बाद हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया, अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में फाइनाइट जो वर्ब थी उसको यूज कर लिया, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट रमेश था और रमेश के बारे में सारी बात कही जा रही थी, अब ये तो था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात। अच्छा दूसरी बात मैं बात करता हूं पास्ट पार्टिसिपल की, ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है इसका यूज कैसे करें फिर, पास्ट पार्टिसिपल, पास्टी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में होता है पता है आपको, और पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, थर्ड फोरम को कहते हैं, जैसे आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। आप देखिए यहां पर किसकी खासियत है, पेन के बारे में बता रहा है कि पेन जो है वो लॉस्ट हो गया था, लॉस्ट कौन सी क्या चीज हुई, पेन हुई, पेन लॉस्ट हो गया ना। तो अपने क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस में लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड सेंटेंस में थर्ड फॉर्म इट वॉज को छोड़ देंगे, और जो नाउन है उससे पहले उसकी खासियत को लगा देंगे,
खासियत क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो आई फाउंड माई, अब नाउन है पेन, पेन की खासियत क्या है? लोस्ट पेन, आई फाउंड माई लोस्ट पेन, हो गया। तो ये लोस्ट क्या हुआ? क्योंकि ये पेन की, पेन को मॉडिफाई कर रहा है। कहने का मतलब लूज एक वर्ब है, लूज की थर्ड फॉर्म लोस्ट होती है, और एक नाउन की खासियत बता रहा है, तो इसका मतलब पार्टिसिपल है। और यहां पर क्या बन गई? एक ही फाइनाइट वर्ब फाउंड बन गई। तो एक फाइनाइट वर्ब, पहले दो फाइनाइट वर्ब थी, फाउंड और लॉस्ट, दो फाइनाइट वर्ब थी, लेकिन अब फाइनाइट वर्ब एक रह गई। इसका मतलब ये तो पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने परफेक्ट पार्टिसिपल भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल? Having के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आपने ये पढ़ चुका है, जो एक काम पूरी तरह से खत्म हो जाए और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो, तभी ऐसा करना है। एक काम पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर दूसरा काम शुरू हो गया। जैसे एक सेंटेंस है, सी हैड कॉम्प्लीटेड हर रिटन वर्क। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, सी वेंट टू दी मार्केट। देखिए दो सेंटेंस है, पहला उसने अपना रिटर्न वर्क खत्म किया, कंप्लीट किया, पूरा किया, फिर सी वेंट टू द मार्केट और फिर वो बाजार गई, दोनों में सब्जेक्ट एक जैसा है ना। अब अपने क्या करेंगे, ये जो सी हैड लिखा है ना, हैड कंप्लीटेड, इसको अपने क्या किस में बदल देंगे? क्योंकि पहला काम रिटर्न वर्क को खत्म करना है, तो इसको क्या करेंगे, पैसिव में, पैसिव सॉरी, उसको बदलेंगे अपने पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्ट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, कोमा लगाओ, बाकी सेंटेंस वैसा को वैसा, वेंट टू द मार्केट। ओके, समझ में आ गया, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क। तो ये हैविंग कंप्लीटेड क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से आप किसका यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अच्छा, एक सेंटेंस और देखिए आप, एक सेंटेंस आपका है, जैसे ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। अब देखिए यहां पर वॉज पनिश्ड लिखा हुआ, यानी कि बाय हिज टीचर, ये कौन से, कौन सा टेंस है? ये पैसिव का है, बाय प्लस थर्ड फॉर्म, बाय के बाद में है, ये पैसिव है। तो यहां भी अपने क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, इसके पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। कैसे यूज करें? हैविंग बीन, बीन लगाएंगे, और पनिश्ड बाय हिज टीचर, कोमा लगाओ, ही फेल्ट सॉरी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाज पनिश्ड बाय लिखा था, इसको हमने क्या किया, हैविंग बीन पनिश्ड। तो मेन वर्ब होती है ना, उसी को ही अपने पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये आपने किया पार्टिसिपल का यूज करते हुए प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन करनी, कि हम प्रेजेंट टेंस कैसे बनाएंगे। ओके, तो ये तो हमारी ये बात हुई, और हम एक बात और कर लेते हैं, एक इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज, तो देखिए हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें ये लिखा है कि आपको पार्टिसिपल से जोड़ करके, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, पार्टिसिपल से जोड़ करके एक एक सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस फॉर्मेट करना है, सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे? सी वेंट टू दी गार्डन, पहले देखिए सी वेंट टू दी गार्डन, और दूसरे में सी प्लक्ड फ्लावर्स, ये पहले तो आपने देख लिया, यानी वो बाग में गया और उसने फूल तोड़ा। तो यहां वेंट जो वर्ब है ये भी फाइनाइट है, और इधर प्लक्ड जो है ये भी फाइनाइट है। तो अपने को क्या करना है, एक को नॉन फाइनाइट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? गोइंग टू दी गार्डन, ठीक है ना, वेंट को किस में बदल दिया, ये सी वेंट टू है ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो एक ही बार लगाना है। Going to the garden, इसको went to को going to में बदल दी, going to the garden, ठीक है ना। अब कोमा लगाइए, she plucked flowers, ठीक है ना, हो गया। तो
तो इसमें गोइंग टू, गोइंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और प्लग्ड क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब होगी। तो एक हो गया ना, ये गोइंग क्या होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमने कर लिया। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, समझ में भी आ गया होगा आपको। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई सा ए बॉल, आई पिक्ड इट अप, मैंने एक बॉल देखी और मैंने उसे पिकअप कर लिया। तो सा अ बॉल, देखिए आई सा लिखा है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, और दूसरे में भी आई ही लिखा हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, सीइंग ए बॉल, कॉमा लगाओ, आई पिक्ड इट अप। ओके, हो गया ना, सीइंग अ बॉल, आई पिक्ड इट अप। तो सीइंग क्या है, परफेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और आई पिक्ड इट अप ये वैसे का वैसा ही रह गया, इसको कहते हैं अपने सिंथेसिस। नेक्स्ट देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। अब द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, देखो पहले सर्वेंट ने क्या किया, स्वेप किया, यानी झाड़ू लगाई कमरे में, ये देखो ये आपकी वर्ब है, पहले झाड़ू लगाई फिर वो चला गया, मतलब एक काम पहले खत्म किया है उसने फिर गया है, तो अपने क्या करेंगे, एक काम खत्म कर रहा है, तो खत्म करने वाली पार्टिसिपल कौन सी होती है पता आपको, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सी होती है, हैविंग स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, ठीक है ना, कॉमा लगाइए, दी सर्वेंट, अब ही की जगह अपने लगाएंगे दी सर्वेंट, क्यों लगाएंगे, कि दी सर्वेंट के लिए ही क्या है, वेंट अवे, यानी दी सर्वेंट के लिए ही शब्द आया हुआ है, तो इसलिए अपने क्या कर दिया, हैविंग स्वेप्ट, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, क्योंकि एक काम खत्म होने के बाद में दूसरा काम वो कर रहा है, तो इसको अपने परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि पार्टिसिपल लगेगा कौन सा, ये भी आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ही केम टू मी, ही गेव मी दिस लेटर, देखो ही दोनों में एक जैसा है, वो मेरे पास आया और पत्र दे दिया, आते ही पत्र दे दिया, ये काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म होने वाली बात इसमें नहीं है, इसमें कौन सी बात है, आया और उसने पत्र दे दिया, यानी आते ही उसने पत्र दे दिया, तो कैसे बनाएंगे, आते ही, तो कमिंग टू मी, सी ओ एम आई एन जी, कमिंग टू मी, ये ही केम जो है इसको किस में बदल दिया आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, कमिंग टू मी, बस उसके बाद ही गेव मी दिस लेटर, यानी उसने मेरे पास आते ही मुझे लेटर पकड़ा दिया, तो कमिंग टू मी हो गया। ओके, तो इसमें क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब एक बच गई गेव, और ये कमिंग कौन सी बच गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल बच गई, तो यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंथेसिस करना है, यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, यानी प्रेजेंट का ही सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हुए आपको सिंपल सेंटेंस ही फॉर्मेट फॉर्म करना है, बनाना है। अब ये देखिए, उसमें तीन सेंटेंस दिए हुए हैं और तीन ही फाइनाइट वर्ब है, यानी पहले में फाइनाइट वर्ब है वर्कड, दूसरे सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है लाफ्ड, और तीसरे में फाइनाइट वर्ब है स्पेंट। तीन फाइनाइट वर्ब आपको दिख रही है, इसका मतलब ये तीन क्लाजेज हैं और सिंपल क्लाजेज हैं। अपने को क्या बनाना है, एक सिंपल बनाना है, और सिंपल में अपने को इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने दो वर्ब को, यानी अब तीन वर्ब है तो दो वर्ब को अपने किस में बदलना पड़ेगा, पार्टिसिपल में बदलना पड़ेगा। द पुअर मैन किसके लिए आया है, ही किसके लिए आया है, पुअर मैन के लिए आया है, तो अपने ही को भी यहां से हटाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। ओके, यहां तक तो हो गया, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ कैसे कैसे बिताता था, वर्किंग एंड लाफिंग, वर्क को हो जाएगा वर्किंग और लाफ का हो जाएगा लाफिंग। ओके, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ वर्किंग एंड लाफिंग, हो गया ना, तो 10 जो शब्द है ये भी यहां से हट जाएगा, 10 मीन्स इस तरह होता है, इसको भी यहां से हटा देंगे, कि गरीब आदमी अपना जीवन व्यतीत कैसे करता था, काम करते हुए हंसते हंसते अपना जीवन व्यतीत करता हुआ था। तो ये दोनों वर्ब तो हो गई फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल की, फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए अपने एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। इसमें देखिए, स्पेंट एक ऐसी वर्ब है जो फाइनाइट है, बाकी दोनों की दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल की ही बात कर रहा हूं मैं यहां पर,
आगे अपने और भी बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा ए स्नार्क, आई रेन अवे। अब देखो, वॉकिंग इन द फील्ड, मैं फील्ड में घूम रहा था, सा ए स्नेक, सांप देखा, तो इसमें वॉक क्या है, फाइनाइट वर्ब है, सा क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, रेन अवे ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो इसको एक को अपने को क्या करना पड़ेगा, दो दो जो वर्ब है, हैं, दो वर्ब जो है उनको अपने को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बस स्नेक कब देखा, जब फील्ड में घूम रहा तब, तो पहले लिखेंगे सा को बदलें, सींग अ स्नेक, सींग अ स्नेक, ओके, सांप को देख करके, कब देखा सांप को, वाइल का यूज करेंगे यहां पर, जब एक काम कर रहे होते हैं और दूसरा काम उसी समय अपने जारी रखते हैं तो उसमें वाइल का प्रयोग करें, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड। अब देखो यहां पर सींग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई और वॉकिंग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, यानी घूमते हुए उन्होंने सांप देख कर क्या किया, क्या किया, सांप देख करके भाग गए, तो आई रेन अवे। रेन अवे एक हमने क्या छोड़ा है, फाइनाइट वर्ब छोड़ी है, रेन अवे, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो कई बार ये भी पूछ सकता है कि सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या है, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में ही वेंट अप द हिल, ही सा एन ओल्ड टेम्पल, पहाड़ी पर गया और मंदिर देखा, जाते ही उसने मंदिर देखा, तो सीधी सी बात है यहां पर एक काम खत्म हो नहीं रहा है, दूसरा नहीं हो, एक वर्ब जो है वेंट अप लिखी हुई यहां पर, फाइनाइट वर्ब वेंट अप है और दूसरी वर्ब क्या है, सा है, ठीक है ना, तो पहली को अपने चेंज करें, इसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, तो कर दो इसको, कैसे किया, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, गो के साथ आई एन जी लगा दो, गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल, ही सा एन ओल्ड टेम्पल, इस तरीके से हमने क्या किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दी, गोइंग अप द टेम्पल, सॉरी गोइंग अप द हिल, ही सा एन ओल्ड टेम्पल। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, सिंथेसिस का कर दिया इसका। नेक्स्ट है ही वेंट होम, ही मेट हिज मदर, देखो यहां पर कितनी फाइनाइट वर्ब है, सबको पहचानिए, पहले लिखा है वेंट होम, वेंट क्या है, वर्ब है फाइनाइट, अच्छा मेट हिज मदर ये भी फाइनाइट, और टच द फीट, टच भी क्या है, फाइनाइट, तो ये तीनों फाइनाइट वर्ब है, अपने को क्या करना है, दो फाइनाइट वर्ब जो है उसको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि अपने को तो एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए सिंपल बनाने के लिए, हमें सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है, तो कैसे बनाएंगे, गोइंग होम, घर गया और क्या किया, एंड मीटिंग हिज मदर, ठीक है ना, गोइंग होम एंड मीटिंग हिज मदर, ओके, दो काम कर लिए ना, घर गया मां से मिला, यानी गोइंग होम, घर जाते ही मां से मिलते हुए उसने क्या किया, ही टच्ड हर फीट, ऐसे, समझ में आई, तो यहां पर ये गोइंग जो है वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, मीटिंग भी क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो इस तरीके से अपने इसको किस में चेंज कर दिया, गोइंग होम और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये दिमाग में आपको रखना है कि अपने को फाइनाइट वर्ब एक ही चाहिए, ठीक है ना, और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो बाकी अगर दो पढ़िए तो उन दोनों को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप, अब देखो द चाइल्ड बच्चा और बच्चे के लिए ही आया हुआ है और इसमें दो वर्ब है ना, लॉस्ट और बिगेन टू वीप, ओके, पहले उसका पेन खोआ है, ठीक है ना, पहले ये काम खत्म हुआ, पेन खो गया, उसके बाद रोने लगा, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, ओके, ही की जगह द चाइल्ड बिगेन टू वीप, ओके, इस तरीके से अपने, यानी अपना पेन खो करके बच्चा रोने लगा, तो यहां पर अपने क्या कर दिया, हैविंग लॉस्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया, क्योंकि एक काम खत्म हुआ उसके बाद दूसरा शुरू हो रहा है, तो यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग
कर देंगे. ओके नेक्स्ट देखिए, ही वॉज डिसगाइज्ड एज अ सेंट, ही एस्केप्ड टू नेपाल. यानी डिसगाइज्ड मतलब अपने आप का भेष बदल लिया, एस्केप मतलब बच करके निकल पड़ा नेपाल. भेष बदलने के बाद वो नेपाल गया है, पहले भेष बदला, भेष बदल कर वो नेपाल गया. इसका मतलब क्या हुआ, भेष बदला तो डिसगाइज्ड एज अ सेंट, कोमा लगाओ, ही एस्केप्ड टू नेपाल. ये आपको पास्ट पार्टिसिपल का आपने प्रयोग किया, तो यहां पर अपने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे. तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि अपने सिंपल सेंटेंस जो है वो पार्टिसिपल का यूज करते हुए कैसे बनाएंगे. ओके तो ये तो बात हुई पार्टिसिपल का यूज करते हुए अपने को सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे. ओके अब अपने बात कर लेते हैं, अब अपने बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के बाद एक नॉन फाइनाइट वर्ब और होती है जिसको अपने कहते हैं इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं ये भी बात तो आपको ध्यान में रखने वाली है. इन्फिनिटिव कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो इन्फिनिटिव कहलाती है. और ध्यान देना है इन्फिनिटिव जो होती है वो नाउन का काम करती है. ध्यान दें, पहले पार्टिसिपल जो थी वो एडजेक्टिव का काम कर रही थी, लेकिन ये इन्फिनिटिव जो है वो नाउन का काम करेगी. ठीक है ना, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे. अच्छा, इसमें एक और बात बता देता हूं, क्रिया में टू जोड़ना है अपने को और फर्स्ट फॉर्म बनानी है. ठीक है ना, और हिंदी अनुवाद करेंगे तो नानी ने ये आएगा है. जैसे कहें उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए. यानी ऐसी वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जो क्या दिखाए, पर्पज या रिजल्ट वो दिखाए ना, उसको अपने को क्या करना है, या तो पर्पज बताए या रिजल्ट बताए, उसको इन्फिनिटिव में चेंज करना है. कैसे चेंज करना है देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया. ही वांटेड टू किल द हैन. अब यहां देखिए, ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द हैन. देखिए यहां पर क्या है, टुक, ठीक है, और यहां पर क्या है, वो चाहता था मारना एक मुर्गी को. ठीक है ना, वो मुर्गी को मारना चाहता था, तो उसका पर्पज क्या है, पर्पज वाली वर्ब है किल, मारना इसका, यानी चाकू किस लिए लिया, मारने के लिए लिया ना. तो बाकी बाकी सेंटेंस को यहां से गायब कर देंगे, सीधी सी बात ये, बाकी सेंटेंस को उसको यहां से गायब कर देंगे. तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका ही, सॉरी, हाँ ठीक है, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया किस लिए लिया, टू किल द हैन, मुर्गी को मारने के लिए किया. ये टू किल जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है. ये टू किल वर्ब जो है वो क्या चीज है, इन्फिनिटिव है. तो इस तरीके से पर्पज या रिजल्ट को बताने वाली जो वर्ब होती है उसके अंदर अपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं. एक सेंटेंस और लीजिए, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है अपने टू और टू का प्रयोग भी करते हैं. टू 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 इसका प्रयोग करते हैं. टू टू इसका प्रयोग कैसे करते हैं, टू टू का प्रयोग कैसे करते हैं, कई बार इसका भी प्रयोग हो जाता है. तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, एक सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक. हमने बताया पर्पज और रिजल्ट वाले को बदलना है, यानी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वेरी वीक है. ठीक है ना, ये वेरी वीक है, इसलिए इसका परिणाम क्या है, नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता. तो अपने क्या करते हैं, पर्पज वाली नॉट वॉक, वॉक को टू वॉक में बदलेंगे. तो कैसे बदलेंगे, ही इज, आप वेरी की जगह अपने को लगा देंगे टू, सॉरी वीक की स्पेलिंग डब्ल्यू ई ए के होती है, इज टू वीक, इज टू वीक. अब ही कैनोट जो शब्द है ये तीनों को तीनों यहां से हट जाएंगे, ध्यान देना है, तीनों हट जाएंगे ही कैनोट, और इसकी जगह अपने क्या लगा देंगे, टू वॉक. इसका मतलब क्या, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, ही इज टू वीक टू वॉक.
तो ये टू वॉक जो है ये क्या बन गई, इन्फिनिटिव बन गई, ठीक है ना। और इज क्या हो गई, यहां पर फाइनाइट वर्ब हो गई। तो एक फाइनाइट वर्ब है इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस अपने बना सकते हैं। इसमें ऊपर वाले में देखिए एक फाइनाइट वर्ब है टुक, क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है ना टुक, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो अपने टू टू का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस का बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो अध्ययन करना चाहता है। ही हैज गोन टू जयपुर, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज गोन टू जयपुर। अब देखिए वो जयपुर गया है किस लिए गया है, जयपुर गया है किस लिए गया है, स्टडी करने के लिए। तो इसका मतलब पर्पज क्या है, स्टडी करना। इसको अपने किस में बदलेंगे, इन्फिनिटिव में बदलेंगे। तो पहला सेंटेंस वैसा, दूसरा सेंटेंस क्या है, ही हैज गोन टू जयपुर टू स्टडी, ठीक है ना, हो गया ना, टू स्टडी ये इन्फिनिटिव बन गई। ही हैज गोन टू जयपुर टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए जयपुर गया है। तो इसलिए मतलब अपने क्या करना है, पर्पज और रिजल्ट बताने के लिए बताने वाली जो वर्ब होती है उसी को ही अपने क्या करते हैं, इन्फिनिटिव में बदलते हैं। पढ़ाई के लिए वो जयपुर गया है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, ठीक है ना, यहां दिया हुआ आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, टू लिव देयर, मैं कोलकाता जा रहा हूं वहां रहने के लिए जा रहा हूं, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, सॉरी आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर। अब ये तो मैंने जोड़ दिया, एक सेंटेंस है आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, अच्छा आई शैल लिव देयर। अब यहां पर चाहे टेंस कौन सा ही हो उससे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई शैल लिखा है ना फ्यूचर टेंस है, आपको मैं कोलकाता किसके लिए जा रहा हूं, लिव रहने के लिए जा रहा हूं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, टू लिव, ये यहां से ले लिया, और बाकी सेंटेंस यही हो गया, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना टेंस कोई सा ही हो बट अपने को देखना है पर्पज बताने वाली वर्ब कौन सी है, उसको आपको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। एक सेंटेंस और लेते हैं उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर अपने फिनिश करते हैं। देखिए, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब यहां देखिए बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी बुक इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि वो समझ नहीं सकी। यहां पर भी अपने टू टू का प्रयोग करेंगे, जब यहां पर वेरी शब्द आ जाता है तो टू का प्रयोग करना है। द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, मुश्किल थी इसीलिए वो नहीं समझ पाता, तो अंडरस्टैंड से पहले अपने को टू लगाना है। तो लेकिन यहां पर तो देखिए द बुक लिखा हुआ है इसमें और दूसरा सी लिखा हुआ है, दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है ना, जब दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहां पर फोर लगा करके उसका सी का बना देंगे हर। द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हर, आगे टू अंडरस्टैंड, ये हमने क्या लगा दिया, टू अंडरस्टैंड, ये हमने क्या लगा दिया, इन्फिनिटिव का यूज कर दिया। और ये फोर हर किस में बदल दिया, यानी सी को फोर हर में, फोर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से भी टू और टू का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से अपने इन्फिनिटिव का प्रयोग करते भी क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, कल अपने एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।